हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज ये संडे का ब्लॉग है। तो सुबह सुबह मैं आ गई हूँ अपने किचन गार्डन में। तो आपको पहले दिखा देती हूँ कि ये मेरा समर सीज़न चालू हो गया। समर सीज़न की जो सब्जियाँ हैं वो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हरी मिर्च लगी हुई है। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कितनी ज़्यादा लगी हुई है। आप ऐसे करके देखिए, ये देखिए, ये देखिए इतनी ज़्यादा लगी। ये देखिए, दरअसल हल्की सी धूप आ रही है। ये देखिए, आप दूर से देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा लगी हुई है। ये देखिए, अभी अभी तो छोटी हैं, बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा लगी हुई है ये हरी मिर्च। ये तो सिर्फ यहाँ पर दो पौधे हैं। ये देखिए, अगला पौधा है और कितनी, यहाँ से ये देखिए, ये ऊपर तक से, ये आपको नीचे दिखाते चलती हूँ कितनी ज़्यादा हरी मिर्च लगी हुई है चारों तरफ से। आप सबको दिखाते हैं, ये देखिए, दरअसल पूरा पूरा ग्रीन ग्रीन है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा लगी हुई है। ये देखिए, ये मेरी ही परछाई आ रही छाया में, तब देखिए पूरा क्लियर दिख रहा है। ये देखिए, यहाँ पर सब अंदर साइड को मिर्च लगी हुई है। ये देखिए, ऐसे करके देखिए, ये देखिए, ये देखिए मेरी, ये देखिए, जब मेरी परछाई पेड़ों पे आ रही, तो छाया की वजह से सारी पिक्चर्स क्लियर हो रही है। फ्रेंड्स, इसमें इतनी ज़्यादा हरी मिर्च लगी, कुछ कहने को नहीं है। ये चार छः पौधे हैं। इसके बाद आपको दूसरे सीज़न में आपको दिखा दूँ, ये हैं टमाटर। तो ये सब देसी टमाटर हैं। तो मेरे चेरी टमाटो के सीज़न ऑफ हो रहा है। ये देखिए, तो अब ये दूसरे सीज़न गर्मियों वाले जो टमाटर हैं, ये देखिए कितने अच्छे से इसमें फ्लावर आ रहे हैं। ये देख लीजिए, धीरे धीरे ये सब बड़े हो रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर भी, ये देखिए, इसमें भी फल आ गए हैं और इधर भी फल आ गए हैं। ये कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है टमाटरों में, कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है सब में, बहुत स्पीड में। इसके बाद आप ये देखिए, ये सारे मेरे देसी टमाटो हैं, सब में बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है। ये देखिए, फूल भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं इसमें। और दूसरी फ्रेंड्स, आपको चीज़ एक और बता दें कि ये जो मेरे चेरी टमाटो, जो जितने मतलब फल लगे हुए थे, सब ख़त्म हो गए हैं। ये देखिए, आप खुद ही देख पा रहे हो। लेकिन अब ये नीचे की ओर जो फ्रूट फ्लावरिंग नहीं हो रही है, अब ये ऊपर की ओर हो रही है। ये देख लीजिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पूरे जो अपने मिर्चे के जो पौधे लगे, उनका पूरा ओवर व्यू दे रही हूँ। ये देखिए, आपको पास में करके दिखा दूँ। ये देखिए, ये देखिए, बहुत प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि उस समय वहाँ से सही से नहीं दिख रहा था। अब आपको मैं दिखा रही हूँ जूम करके। ये देख लीजिए, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और सच बताऊं फ्रेंड्स, तो मैं पहली बार मैंने जो खूब लगाए हरे मिर्च इतने ज़्यादा लगे हुए हैं, क्योंकि इसके पहले मैंने लगाया भी नहीं था। ये देखिए, अब यहाँ पर जितने लगे हुए सारे के सारे देसी टमाटर हैं। अब कुछ टमाटर जो अभी छोटे ही हैं, ये देखिए, ये सब वो टमाटर हैं। कुछ तो पौधे अभी बढ़ रहे हैं, ये देखिए, अभी किसी में तो फ्लावर अभी कम आए हुए हैं। ये देख लीजिए, इनमें सब में अभी फ्लावर आ रहे हैं। और एक चीज़ आपको ये बता दूं कि इधर के, ये जो इधर वाले इतने सारे इस एरिया के जितने टमाटर हैं, ये सारे चेरी टोमेटो हैं, क्योंकि ये देर में लगे हुए थे, बाद के पौधे हैं इसलिए। अब आपको दिखा दूँ,
ये देखिए मेरी जहाँ तक फिंगर जा रही है सारे चेरी टोमेटो, बिल्कुल ये नीचे से जाइए ये देखिए लगे हुए हैं, और यहाँ से लेकर ये बिल्कुल ये ऊपर की तरफ क्रेप हो रहे हैं। ये देखिए हमने इनको ऐसे लगा दिया हुआ, ये रस्सियाँ बांध दिए तो अपने आप से क्रेपिंग हो रही है, और ये बहुत अच्छे से ऊपर की ओर भाग रहे हैं। ये सारे मेरे इधर के जो इस एरिया में कैरी में लगे हुए हैं ये सारे के सारे चेरी टोमेटो हैं, और ये चेरी टोमेटो में फ्रेंड्स मुझे नहीं पता था कि फिर से फ्लावरिंग होने लगती, मुझे लगा पौधे ही ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये सेकंड फ्लावरिंग है। ये देखिए सेकंड फ्रूटिंग फ्लावरिंग हो रही है, नीचे का सब फिनिश हो गया है, वो कुछ पहले के देसी टोमेटो हैं जो कुछ पक चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उधर एक टमाटर इधर लगा हुआ है, ये देखिए तो अभी कुछ टमाटर हैं जो क्या बोलते हैं कि अभी पके नहीं है, पक रहे हैं और फ्रूटिंग भी हो रही है। ये देखिए वहाँ तक ये इधर सब अभी फ्रूटिंग हो रही है। यहाँ पर हमारे चेरी टोमेटो की बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई है, ये तो मेरे उम्मीद से ज़्यादा वाली फ्रूटिंग हो गई, मैंने कभी इतना नहीं सोचा था। बस वही है।